जहां कोरोना ने देश में कहर बरपा रखा है, तो वहीं लॉकडाउन के चलते लोग घरों में कैद हैं, जिसके चलते अब गरीब और दिहाड़ी मजदूरों के सामने खाने पीने के लाले पड़ गए हैं। वहीं दूसरी तरफ शासन समाज सेवी खाने पीने की कोई कमी नहीं आने दे रहे हैं। लेकिन आज धरातल पर कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला। मामला गोवर्धन के मथुरा रोड का है, जहां दो परिवारों के करीब एक दर्जन बच्चे और बुजुर्ग चार दिन से भूखे हैं। बता दें कि ये दोनों परिवार बाहर के रहने वाले हैं और मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। जब किसी माध्यम से हमें पता चला कि ये लोग भूखे हैं, तो हमारी टीम वहां पहुंची और उनसे बात की, तो इन सभी लोगों का दर्द छलक पड़ा और हाथ जोड़कर लोगों से मदद मांगने लगे। कहाँ के रहने वाले हो? गोड़ा के रहने वाले, अलीगढ़ के पास। अब यहाँ कहाँ रह रहे हो? यहीं पे रह रहे हैं। क्या नाम? रामा गली। अब क्या परेशानी हो रही है? भूखे प्यासे मरे जा रहे हैं, क्या परेशानी है? बच्चे कितने दिन हो गए आपको जो है खाना खाए हुए? हमें चार दिन हो गएंगे खाना खाने को। कोई मदद नहीं मिल रही अभी तक? मदद नहीं मिली हमें। नाम है तुम्हारा? रूप रानी। क्या परेशानी हो रही है? परेशानी खाने पीने को नहीं मिल रहा है हमें, बिल्कुल भूखे मरे जा रहे हैं। यहाँ पे किराए पर रह रहे, घर ही नहीं हमारे। कौन सी जगह रह रही हो? ये कौन सी जगह है? ये रामा गली, फौजी का कमरा है ये। कितने लोग हो जो परेशान हो तुम लोग? हम लोग इतने ही परेशान हैं भैया। दो तीन चार पाँच छः सात आठ हैं और बच्चे हैं हमारे। रहने वाले कहाँ के हो? वैसे तो रहने वाले हम यहाँ के हैं, नैनीताल के। यहाँ पे किराए पर रहते, वहाँ हमारा घर नहीं है, वहाँ पे भी नहीं है। यहाँ क्या करने आए थे? यहाँ जी मोची का काम कर रहे थे हम, बद्दी चप्पल जूते गाड़ते हैं। काम ही नहीं चल रहा तो कहाँ जाए। अभी कोई मदद नहीं मिली है तुम लोगों को? कोई मदद नहीं मिली है। लाचार पड़े हुए हैं, इनको घात कर से इनकी दवाई गोली बंद हो गई है। बच्चे हमारे दूध पीने वाले हैं, जी जरा जरा से बच्चे गोदी में। चार दिन हो गए हमें भूख के मारे, यहाँ खाना पीना कुछ भी सुखा नहीं है हमारे लिए। इसलिए आचार को तो कुछ करना ही चाहिए। हाथ पैर से बिल्कुल बेकार हो रहा है जी, तो इसके लिए कुछ मदद होनी चाहिए।